गाइस वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आज हमने सोचा है कि मतलब बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे से कि भाई आप कौन सी इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो ब्लॉगिंग करने के लिए, क्या हेलमेट इस्तेमाल करते हो, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो, कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल करते हो। मैंने सोचा अब इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पर एक ब्लॉग बना दिया जाए, तो मैं आज का ब्लॉग इसी चीज़ों पर आएगा कि मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ जो मस्ट है अगर आपको मोटो ब्लॉग स्टार्ट करना है तो। क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूँ, तो पहली जो मेन चीज़ है, पहली जो सबसे मेन चीज़ होती है ब्लॉगिंग चैनल में, वो होता है आपका कैमरा। कैमरा कौन इस्तेमाल करता हूँ, कैमरा इस्तेमाल करता हूँ मैं DJI Osmo Action कैमरा। ये मेरे को अप्रॉक्स पड़ा है 18,000 का, प्लस अडेप्टर ये मेरे को पड़ा है 3,000 का। इसका अडेप्टर माइक अडेप्टर, इसमें कि माइक लगता है माइक अडेप्टर। और तीसरी चीज़ मेरे को पड़ा चार्जिंग केस विथ 3 बैटरी, ये मेरे को पड़ा है 9,000 का। ये कैमरा, ये इसका चार्जिंग केस, प्लस ये 18, 9, 28, 27 और 30 मेरे को अप्रॉक्स पड़ गया 30,000 का। और जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो इसी DJI Osmo Action कैमरा से शूट हो रही है। तो जो अडेप्टर है ये भी लगा हुआ है, बैटरी भी लगी हुई है और कैमरे से शूट हो रहा है। तो ये कैमरा है, ये रहा कैमरा, ये रहा इसका एडेप्टर, और इस ये सामने लगा ऊपर लगा है बोया का बाय एम एम वन माइक। चलिए कैमरा तो हो गया, कैमरे के बाद वीडियो सबसे मेन क्या मैटर करता है, आपका माइक। अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो आपकी वीडियो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो अपनी आवाज़ अच्छी करने के लिए मैंने दो माइक लिया है। एक मैंने माइक लिया जो मैं आपको बताया, जो इसमें लगा हुआ है बोया बाय MM1 माइक, ये मेरे को पड़ा है 800 रुपये का। मैंने सेकेंड माइक लिया है ये लगाने के लिए हेलमेट में। इस माइक को मैंने हेलमेट की पूरी पैडिंग बाहर निकाल के मैंने इसके अंदर पूरा मैंने इस माइक को किया है, सेटअप किया है। और इसका जो माइक है ये यहाँ पे निकला हुआ है, ये लगा है, सर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये लगा हुआ है इसका माइक। हाँ, ये माइक यहाँ लगा रखा है मैंने इसमें। हाँ, मैंने ये माइक लिया है। और जो ये माइक है इसको कहते हैं शॉटगन माइक, जो मेनली काम आता है ब्लॉग करने में। इसका मेन वर्क क्या होता है, जैसे कि हम जब करते हैं ब्लॉक करते हैं किसी बाहर साइड एरिया में, तो वहाँ पे चलती हवा चलती है तो उनको ये जो विंड ब्लास्ट होता है उनको ये रोकता है, जो इसे लगा हुआ है कैमरे पे। तो इसमें दिख रहा होगा आपको कि जो ये फर्क का काम क्या होता है कि जब भी कोई विंड आती है तो उसको रोक देता है ये, तो हमारी आवाज़ क्लियर जाती है। अगर ये फर्क ना हो तो हम विंड भी आएगी ना हमारी आवाज़ भी जाएगी, तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए ये होता है। तो मैंने इसको लिया है कैमरा केस, Osmo Action का कैमरा केस लिया है मैं। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो ये माइक होते हैं इनको माउंट करने के लिए अलग किया जाता है, क्योंकि जो केस आपको मिलेगा, जो भी कवर मिलेगा आपको कैमरे के साथ में, वो नॉर्मली आप सिर्फ हेलमेट में यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको ये बाय करना पड़ा। ये मेरे को अप्रॉक्स पड़ा है 2,000 का, तो मेरे को 2,000 का पड़ा है ये। ये मेरे को दो टाइप पड़ा है, इसको माउंट करते हैं ट्राइपॉड में, यहाँ पर लगाते हैं अपना माइक, यहाँ पर दिया है क्या कहते हैं उसके लिए, क्या बोलते हैं लाइट्स के लिए, ये दिया लाइट्स के लिए, इतना पसीना हो रहा है यार, ये दिया लाइट्स के लिए, यहाँ साइड में लगता है अपना क्या कहते हैं अडेप्टर, ये इसके लिए हो गया, ये हो गया साइड। तो ये हो गया, ये भी हो गया, रेक्टर भी हो गया, कैमरा केस भी, एवरीथिंग हो गया। फिर मैंने लिया है, हाँ, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद फिर आता है एडिटिंग। एडिटिंग हम किस में करते हैं, तो एडिटिंग करने के लिए मैंने लिया है मैकबुक एयर, ये मेरे को अप्रॉक्स पड़ा है 90,000 का। मैंने मैकबुक एयर इसलिए लिया है कि इसमें एडिटिंग काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी फास्टली हो जाती है इन कंपैरिजन टू विंडोज़ लैपटॉप। उसमें एडिटिंग और काफ़ी टाइम लेता है, बट इसमें काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब मेरे पास मेरा अच्छा खासा था बजट, इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। तो मैं सॉफ्टवेयर कौन सा करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर करता हूँ द विंची रिजॉल्व बेस्ट सॉफ्टवेयर है, फ्री बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। आप कोई और भी अगर आप
प्रीमियर प्रो यूज़ करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो सब पेड सॉफ्टवेयर है, पर ये फ्री सॉफ्टवेयर, इसको मैं फ्री यूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई भी वाटर मार्क नहीं आता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ डाविंची रिज़ॉल्व। ये हो गए, बात रही राइडिंग गियर्स की, तो राइडिंग गियर में मैंने दो चीज़ बाय किया है, राइडिंग गियर मैंने दो चीज़ बाय किया है, एक ग्लव्स, एक ही हेलमेट। ये ग्लव्स मेरे को अप्रॉक्स पड़ा है 750 का, 750 रुपये पड़ा है, ये मैं आफ्टर मार्केट लिया हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मेरे को उतना अच्छे दिख नहीं रहा था, जो अच्छे थे वो काफ़ी कॉस्टली थे, तो मैं ऑनलाइन नहीं लिया, मैं इसको मैं लिया हूँ दिल्ली के करोल बाग से, मैं करोल बाग गया, मैं इसको मैंने वहाँ से बाय किया, और करोल बाग से मैंने हेलमेट भी लिया है, हेलमेट लिया है मैंने एक्सोर का, काफ़ी अच्छा हेलमेट है, दो वाइजर इसमें डबल वाइजर है, एक नॉर्मल वाइजर है और एक ये ब्लैक वाइजर है, ये ब्लैक वाइजर है, डबल वाइजर, ये वाइजर है, काफ़ी सही हेलमेट है, इसकी पैडिंग भी काफ़ी मोटी पैडिंग है, काफ़ी अच्छी पैडिंग है इसकी, इसको आपको मतलब बहुत सेफ, बहुत सिक्योर, पिन लॉक भी आता है इसमें, सबसे मेन चीज़ सबसे सेफेस्ट माना जाता है ये लॉक, ये सबसे सेफेस्ट लॉक यही होता है, तो आज इसको मतलब अगर आप, पर इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप ग्लव्स पहने हैं तो ग्लव्स पहनने के बाद इसको आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसको आपको इसको खोलने के लिए आपको ग्लव्स निकालना ही पड़ेगा, तभी इसको बाहर निकाल पाएंगे, सबसे बड़ा मेरे को उसका डिसएडवांटेज ये लगता है, मतलब जब भी मैं बाहर देता हूँ करने राइड के लिए, जब मैं उसे हेलमेट में बाहर निकालना है तो मेरे ग्लव्स निकालो फिर उसे खोलो फिर पहनो, बहुत उलझन होती है, इसका यही मेरे खाबी लगती है, पर पिन लॉक इतने के समाज बहुत सेफेस्ट भी होता है, सीन नहीं है, बहुत सही हेलमेट है ये, मेरे का फ्रॉक पड़ा है 4500 का, इसको मैंने इसको भी करोल बाग से लिया है, तो ये सेम हेलमेट आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, इसका मैं बाइक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाइएगा और आप बाय करिएगा वहाँ से। सेकेंड चीज, मैंने इसका सामान ले लिया, इसको साइड करिए, मैंने इतना सामान ले लिया, अभी सामान को मैं कैरी कहाँ करूँगा, जब भी मैं जाऊँगा राइट वे में सामान कैरी कहाँ करूँगा, सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है, जो नॉर्मल बैग्स होते हैं उसमें सामान कैरी करने में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, मैंने इन सब चीज़ों को कैरी करने के लिए मैंने लिया बैग, डिज़ाइन बाय ओकामी, काफ़ी अच्छा बैग है ये, इसका मतलब लुक वाइज आप देख सकते हैं काफ़ी सही बैग है ये, इसमें एक चैन यहाँ दिया हुआ है, एक चैन फ्रंट में दिया हुआ है, एक चैन फ्रंट में है, और इसको कहते हैं एंटी थेफ्ट बैग, मतलब कि इसमें चोरी करना चोरों को मुश्किल होगी, चोरी भी इसमें भी होगी बट थोड़ी मुश्किल से चोरी होगी, यह चोर परेशान हो जाएंगे, तो एक स्पेस ये दिया है, एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है, पॉकेट वो है, और एक पॉकेट यहाँ पे दे रखे हैं डालने के लैपटॉप, और इस बैग की सबसे बेस्ट चीज मेरे यहाँ की क्या लगती है, ये आपके पास पावर बैंक है, पावर बैंक को इसमें करिए अटैच, पावर बैंक अंदर, इसको बंद, यहाँ पे दिया हुआ है ये चार्जिंग पोर्ट, इसमें लगाइए अपना USB केबल और उसको कनेक्ट करिए अपने फ़ोन से बैक पीठ पे, और वायर से अपना फ़ोन आपको चार्ज होता था कंटिन्यूसली एकदम, ये हो गया आपका बैग का, बस सब मैं कवर कर लिया, और क्या, हाँ मैंने ये लिया एक्शन प्रो GoPro माउंट, जो हेलमेट पे जिसपे कि इस पर हम GoPro अटैच करते हैं, ये मैंने लिया, हाँ इसको मैं इस पर मैक्सिमम एक या दो राइड में इसको अपने इस पर यूज़ कर रहा था हेलमेट पे, बट इसकी मेन दिक्कत मेरे को क्या आ रही थी कि थोड़ा सा लूज बाबा हो जा रहे हैं, भाई देखो इसमें क्या होता है, इसका इसमें डाल के नॉर्मल से पिन है इसे लॉक करना पड़ता है, भाई बाबा हो जाती ढीली है लूज हो जाता है, ये मेरे को अप्रॉक्स पड़ा था अमेजोन से 450 का, मैं इसको मंगवाया, फिर मैं मार्केट गया, मार्केट से मैं लिए एम सील ला के मैंने उसको कर दिया अटैच, अब इस पर मैं जब भी GoPro अटैच करता हूँ तो सामने का व्यू काफ़ी अच्छा आता है, ये पहले क्या होता था कभी बस बाइक की हैंडल दिखे, मीटर कंट्रोल दिखे बाइक का, या फिर सिर्फ रोड दिखे तो मज़ा नहीं आ रहा था, अब क्या होता है कि 50% बाइक और 50% फ्रंट का व्यू दोनों आता है, अब देखने में अच्छा लगता है, तो मैंने ये लिया, ये काफ़ी सही चीज़ है, मैं बात सोच रहा हूँ कि मैं ये क्या रखा हुआ हूँ, तो ये होता है महंगी चीज़ें खरीदने के साइड इफेक्ट, जैसे कि मैं GoPro लिया तो साथ में ये लो ये होता है GoPro का, हाँ ये हो गया, तो अब मैं लिया मैकबुक, यहाँ एक दे रखे हैं ऑडियो जैक के लिए, ये दे रखे हैं दो याद दे रखे हैं, भाई मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव कहाँ लगाएं, इसको बोलते हैं HDTV अडैप्टर, हाँ अडैप्टर होता है ये, जिसमें कि तीन होता है HDMI पोर्ट, एक होता है कार्ड रीडर, एक होता है मेमोरी कार्ड, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, ये होता है बेसिकली, इसको सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी यूज़फुल है, इसका भी अपने काफ़ी यूज़ है, इसके बिना तो आप मतलब मैकबुक आप यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, ये हो गया ऐसा कोई यूज़ नहीं है, ये हो गया,
कैमरा केज काम हो चुका है, इसका भी कोई यूज नहीं है। बैटरी का इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है ये, क्योंकि देखिए सब बॉक्स पड़े हैं, कोई सही मतलब है, सब मेरा काम हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है। तो बेसिकली उतना सब झमेला हटाइए तो मेरा मोटो ब्लॉगिंग, इसका भी क्या पर, इसको नहीं फेंकेंगे भाई, इसमें भी माल रखा हुआ है, इसको नहीं फेंकेंगे। ये हो गया, ये जो केस है जो मेरे को मिला था गोप्रो साथ में, जो बॉक्स में आता है वो केस है। ये सब को यूज तो है नहीं, बट ठीक है, आज निकल कोई हेलमेट लेंगे, फिर घर में बहुत सारे रखे हुए हेलमेट, उसमें यूज़ कर लेंगे इसको। दो ग्लव्स हो गए, एक ये बैग हो गया, और एक ही मेरा हेलमेट हो गया पैरों पर। तो मतलब सबसे प्यारी चीज़ मेरे को ये लगती है हेलमेट, मतलब लुक वाइज देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस मेरा था बजट, तो मैंने सब चीज़ें मैंने बाय कर लिया। अगर आपका बजट नहीं तो आप नॉर्मल कैमरे से भी, नॉर्मल मोबाइल के कैमरे से आप फोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस आप एक ऐसा माउंट ले लीजिए जिसमें मोबाइल माउंट होती हो, एक अच्छी क्वालिटी का बोया का ही सस्ता माइक आता है वो माइक ले लीजिए, और एक अच्छा मतलब वही 15-20 हज़ार जो फ़ोन आते हैं उनके कैमरे अच्छे होते हैं, उनको कैमरा आप ले लीजिए, वो कैमरा आप ले लीजिए। बस एक हेलमेट तो आप घर में पड़े होंगे, हेलमेट ले लीजिए आप। और जो ये वाला बता रहा हूँ, मैं तो कहूँगा आप इसको मत ही लेना, आप इसको ख़रीदना, ये 500 पड़ेगा, ये आपको 400 पड़ेगा, बट इसको लेके माउंट करिए, अपना आप राइडिंग स्टार्ट करिए। तो गाइस, तो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई हैं इस ब्लॉग में, मैं जितना भी इक्विपमेंट बाय किया है, मैं इन सब का मैं बाइंग लिंक अमेज़ॉन का, जहाँ जहाँ भी चीज़ें मिलती हैं उनका बाइंग लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बाय लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इन सब प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हैं। कुछ का प्राइस हाई होगा, कुछ का प्राइस लो होगा, वो मैटर करता है उनके ऊपर, वो तो मेरे हाथ में है नहीं। आप जो भी कुछ आपको बाय करना हो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं। ये है मेरी बाइक 20 Classic 350। क्या कह रहे हैं आप? बाइक स्टार्ट करने के लिए कह रहे थे ना ऐसे। हाँ, तुम स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ, तुम स्टार्ट करो, इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। तुम उधर जाओ, रुको रुको रुको। आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे ऑडियंस हमारी, आप क्या बोलोगे? इनकी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें, कैमरे देख के बोलो, इनकी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें आप। हाँ चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।